नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री साईं बाबा व्रत कथा। एक समय की बात है, रमा बहन और उनके पति दीपक एक बड़े नगर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम भाव था और वह अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक रहते थे। दीपक भाई का अच्छा खासा कारोबार था, परंतु उनका स्वभाव थोड़ा कठोर या शायद उन्हें बोलने का ढंग ना आता था। अचानक समय ने पासा पलटा और दीपक भाई का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार एकदम से ठप पड़ गया। अत्यधिक घाटा होने के कारण उन्होंने व्यवसाय पूरी तरह से बंद कर दिया और समय के हाथों विवश होकर घर पर बैठ गए। इस कारण उनके स्वभाव में पहले से ज्यादा उग्रता आ गई। बात बात पे लड़ना झगड़ना उनकी आदत बन गई थी। इसी वजह से उनकी अक्सर अपने पास पड़ोसियों से भी कहा सुनी हो जाती थी। उनके इस स्वभाव के कारण उनके पड़ोसी भी खिन्न रहते थे। रमा बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखती थी, इसलिए शायद बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक ना एक दिन कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। एक दिन दोपहर के समय रमा बहन के घर पर एक वृद्ध साधु महाराज दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों से अमृत बरस रहा था और उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। रमा बहन ने तुरंत हाथ धोकर उस साधु महाराज को दाल चावल लाकर दिए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वृद्ध साधु ने आशीर्वाद दिया, साई सदा सुखी रखे। रमा बहन ने कहा, महाराज सुख अपने भाग्य में ही नहीं है। और फिर उन्होंने अपने दुखी जीवन की सारी कहानी कह डाली। तब साधु महाराज ने रमा बहन के दुखों को दूर करने हेतु श्री साईं बाबा के व्रत 9 गुरुवार तक करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मन्नत मांगकर 9 गुरुवार को व्रत करना और एक समय फलाहार या भोजन करना, संभव हो सके तो 9 गुरुवार साईं मंदिर जाकर साईं बाबा के दर्शन करना व घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार विधि पूर्वक पूजा करना और विधिवत उद्यापन करना, गरीबों को भोजन कराना। श्री साईं बाबा व्रत कथा की 5, 7, 11, 21, 51 या 101 पुस्तकें भेंट करना, जिससे साईं बाबा की महिमा का प्रसार प्रसाद हो सके। इससे चमत्कारिक लाभ होता है। कलयुग में यह व्रत बड़ा चमत्कारी व्रत है। यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा, विश्वास और धीरज रखना बहुत जरूरी है। व्रत को करते समय मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए और झूठ छल कपट आदि बुरी आदतों को भी त्याग देना चाहिए। साईं का स्मरण करते रहना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो भी व्यक्ति साईं व्रत व उद्यापन करता है, साईं बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। साधु महाराज से ऐसे वचन सुनकर रमा बहन अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी गुरुवार से 9 गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने उद्यापन किया और गरीबों को भोजन कराया। साईं बाबा व्रत कथा की 101 पुस्तकें भेंट की। इससे उनके घर के झगड़े झंझट दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। दीपक भाई का स्वभाव में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगा। उन्होंने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन रमा बहन की जेठानी अपने पति के साथ उनके घर पर मिलने आई। दोनों पति पत्नी को खुश देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने रमा बहन से पूछा, उनके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ? और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं, दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत परेशान हैं। रमा बहन ने उन्हें 9 गुरुवार को साईं बाबा के व्रत करने की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ पाएंगे और कहना भी मानेंगे, लेकिन इन सब के लिए साईं बाबा पर पूर्ण
श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। उसने रमा बहन से व्रत व उद्यापन की विधि बताने को कहा। रमा बहन ने कहा, 9 गुरुवार तक व्रत करना व संभव हो तो साईं मंदिर जाकर साईं बाबा के दर्शन करना। और यह भी बताया कि यह व्रत स्त्री पुरुष एवं बच्चे सभी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा की फोटो तथा सिद्ध साईं यंत्र की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं बाबा व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा, साईं कवच, साईं भावनी, साईं 108 नाम माला आदि का पाठ करना, 9वें गुरुवार को उद्यापन करना और यथाशक्ति साईं व्रत कथा की पुस्तकें पास पड़ोस मित्रों एवं सगे संबंधियों को भेंट देना। उनकी जेठानी यह सब सुन बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी अपने घर जाकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से 9 गुरुवार का व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे अब मन लगाकर पढ़ने लगे और सभी का कहना मानते तथा घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाने लगे तथा परीक्षा होने पर अपनी कक्षा में फर्स्ट आए। अब तो वह अपने मोहल्ले पड़ोस में दुखी लोगों को साईं बाबा के चमत्कारी व्रत का महामत्य बताने लगी, जिसके फलस्वरूप उनकी सहेली की बेटी, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही अच्छी जगह साईं व्रत रखने से हो गई। एक पड़ोसन जिसके पति गंभीर रूप से बीमार थे, वह भी साईं बाबा की कृपा से अब स्वस्थ हो गए और उन्हें भी ऐसे अनेक अद्भुत चमत्कार हुए। रमा बहन ने कहा, साईं बाबा की महिमा महान है। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा करते हैं, वैसे हम पर सभी पर प्रसन्न हो अपनी कृपा करना और जो भी इस कथा को पढ़े एवं सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। जय हो साईं बाबा।